वेल एक तो पहली बार मैं रवि से अलग उसके थिएटर में आई हूँ एक्चुअली उसकी जमाई राजा से हटके बिकॉज 7 साल हमने साथ में काम किया. आज पहली बार मैं रवि को सोलो स्क्रीन पे देखने आ रही हूँ एंड मत से कांट इज सीरीज. मैंने इतना सोचा नहीं था बट एवरी फ्रेम हैज हिम एंड ही सो पावरफुल ही सो गुड. और मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ या फिर मुझे बोलना है या मुझे कोई बट ही इज रियली डन अ गुड जॉब. और ये सिर्फ फर्स्ट एपिसोड था, मैं बाकी के सारे देखूंगी. बट हैट्स ऑफ टू हिम हियर, वो हर एक चीज़ में जितना एफर्ट डालता है मैंने इट्स कमेंडेबल. और नहीं है आई मीन देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस एंड आई थिंक ही डिजर्व्स एवरी बिट ऑफ इट. ये डिफरेंट डिफरेंट लुक है, अगर आप बता सकते कि आपका फेवरेट वाला कौन सा है. फेवरेट वाला मैंने सिर्फ फर्स्ट एपिसोड देखा बट आई थिंक ये रवि का पूरा दिस इज रवि ऑल अबाउट यू नो ही लाइक्स टू प्ले विद लुक्स, ही लाइक्स टू प्ले विद कैरेक्टर, ही लाइक्स टू डू डिफरेंट थिंग्स एंड एवरी लुक ऑफ हिज इज सो इंटेंस. बट एक फर्स्ट एपिसोड में ही देयर आर लाइक 10 डिफरेंट दिस थिंग्स. सो बहुत मेहनत की है उसने और वो दिख रही है स्क्रीन पे यू नो राइट फ्रॉम द वर्ड. सो हैट्स ऑफ टू हिम. मैंने कोई ज़्यादा सोचा नहीं. आई लाइक टू बी कैजुअल एंड इफ आई एम लुकिंग नाइस सो थैंक यू एंड दैट्स दैट्स फॉर यू. थैंक यू सो मच फॉर गुड क्लास. दादा दादा रवि रवि वो अरुण पीछे The highway is filled with books. Yeah, did you see? Yeah. Chal, the highway is filled with books. Actually, we shuru karwa dete hain. Main bahar aa raha hoon. Aap to bahar aa hi rahe hain. See you. कहते हैं ना कि वाइफ जो सबसे आपको जज करती है तो इन्होंने जज कर दिया आपको. आपके इस मत से काम को बहुत पसंद आई. तुमने बोल लिया क्या? मैंने सब बता दिया. सब बता दिया. देख लिया बोला कि सुबह तक सब देख लिया. हाँ, इसने तो 1.5 दिन में पूरा 11 एपिसोड सर को ने देख डाले. और मैं आपको सच बताऊँ तो इसने जो मेरे बिल्कुल आप बता सकते हैं उन्होंने आपकी सारी जो बाकी शोज जो थे वो सरगुन इज वेरी शी इज़ द मतलब एकदम वो जो एकदम चुभने वाली क्रिटिक है वैसा शी इज. सो आई एम ऑलवेज वेरी स्केर्ड ऑन यू नो व्हेनेवर द प्रोजेक्ट इज कमिंग और भी सरगुन क्या बोली. हाँ, जब मुझे इसका शो देख के अच्छा नहीं लगता मैं इसको बोल देती हूँ कि मुझे नहीं मजा आ. मुझे भी घबराहट होती है कि मैं नहीं देखूँ क्या कि मैं देख कि मुझे देखना पड़ेगा क्या ऐसे वाला. बट इसमें किसी को मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ा, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. बट यहाँ पर तो आपको सारे एपिसोड आई थिंक सुपर. आई लव्ड देम. मैं अभी एक्चुअली मुझे किसी ने पूछा कि बेस्ट एपिसोड क्या था इनके डायरेक्टर ने, तो मैंने कहा भीष्म पितामह. मैंने कहा नहीं 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 चौसर. मैंने कहा नहीं नहीं युयुत्सु. मैं लिटरली आई कैन कीप गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन. और आई थिंक एक टाइम के बाद मैं सारे 11 एपिसोड का नाम ले लूँगी. रवि जी ऐसे वाइफ को तारीफ करते हो, मैंने बहुत कम देखा है लेकिन यहाँ पर. नहीं नहीं, मेरी वाइफ बहुत तारीफ करती है. जब मतलब तारीफ के काबिल होता तो तारीफ करती है वरना. तो बताइए आपके दोस्त सभी यहाँ पर आ रहे हैं, सभी देख रहे हैं, सभी का रिएक्शन बहुत ही लाइक सुपर था. तो बताइए और आपसे क्या कुछ रिएक्शन है? रिएक्शन इज वेरी वेरी पॉजिटिव एंड इट्स वेरी पॉजिटिव. मैं जस्ट कुछ दिनों में आपको मतलब पता चल ही जाएगा. बट इट्स वेरी इनकरेजिंग, वेरी वेरी इनकरेजिंग. अगेन कि आपका जो फेवरेट वाला लुक है अगर आप बता सकते. दिस वुड बी माय फेवरेट लुक, दिस वन. ओके, प्रोस्थेटिक्स वाला वैसे तो कई सारे हैं. ये वाला वो लुक है जिसमें आप होटल रूम में होते हो? नहीं बेटे, दैट्स द वन इन व्हिच. ओके, तो अभी द एपिसोड बता दूंगा. देखने के बाद भी सस्पेंस है कि ये वाला लुक है. क्योंकि इतने लुक्स हैं आप खुद भी एक मिनट के लिए वो हो जाएंगे कि भाई इतने लुक्स है ना कि एंड ही इज डन देम सो फैबुलसली. इनफैक्ट इन्होंने एक एक्सेंट एक डायलेक्ट भी पकड़ा है, वो भी बहुत कमाल है. और वो बहुत बार ऐसे होता है कि मुझे जब कोई डायलेक्ट पकड़ता है ना, कभी ये भी इसने एक बार ही जमाई में कोई और डायलेक्ट पकड़ा था, मैंने कहा था अच्छा था पर 9/10 था, वी कुड हैव डन बेटर. बट इसमें उसने डायलेक्ट भी 10/10 पकड़ा है एंड आई थिंक दैट इट एड्स एवरीथिंग एड्स टू द कैरेक्टर. ही इज किल्ड इट. नहीं 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 बनता है वो, आप जाके देखेंगे तब बनता है, ऐसे नहीं बनता है वो. यू प्लीज वॉच द शो. कलाकार है ये, कलाकार कांड कर गए.
कांड कर लगा तो बताइए इसके बाद मत्स्य कांड के बाद कौन सा कांड करने वाले हैं और ऑडियंस चाहती कि आप दोनों साथ में ऐसा कोई कांड करके निकले जो अच्छा हम लोग कर ही रहे हैं मतलब वी आर प्रोड्यूसिंग स्टफ टुगेदर ये जहां तक रही बात स्क्रीन पे आने की जब अब तक जब भी कोई स्क्रिप्ट आई है वो उसने कोई ऐसी कोई अच्छी स्क्रिप्ट नहीं आई है जो कि जिसमें कि हम कूद पड़े और बोले कि नहीं हमें करना चाहिए बट इन ड्यू टाइम आई थिंक व्हेनेवर देयर इज अ स्क्रिप्ट वी आर प्रोड्यूसिंग नाउ सो अगर कोई ऐसी कहानी हुई जिसमें लगा कि हम ही वैल्यू ऐड कर सकते हैं तो हम ही करेंगे समझ में नहीं आता हम बहुत कम करते हैं मैं लिटरली पता नहीं कैसे ही कर लेती हूँ और रवि तो बहुत करो तो फिर वही बड़ा धमाका करो ना सरगुन बड़े धमाके करती है बड़े धमाके करती हो छोटी फुलझड़ियाँ जलाने का कोई मतलब नहीं फिर टोपी लेंगे, फिर मास्क, फिर चश्मे। मैं खुद ही आपको बुरा लग रहा हूँ। तो लग रहा है आप घर आओगे तो वॉटर में साथ आएगा।